नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। विजयनगर थाना क्षेत्र स्थित C21 मॉल की तीसरी मंजिल से एक युवती ने छलांग लगाकर आत्महत्या की कोशिश की। तत्काल युवती को मॉल के सुरक्षा कर्मियों द्वारा नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां युवती की हालत नाजुक बताई जा रही है। दरअसल मामला विजयनगर थाना क्षेत्र स्थित C21 मॉल में तीसरी मंजिल से युवती ने छलांग लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि युवती की 15 दिन पहले ही उज्जैन निवासी युवक से शादी हुई थी। 2 दिन पहले हादसे में उसका निधन हो गया है। इसी हादसे के बाद युवती ने आत्महत्या की कोशिश की है। युवती के पास से एक नोट भी मिला है, जिसमें उसने लिखा था कि मेरा पति के साथ ही अंतिम संस्कार कर दिया जाए। उसके पास से मिले बैग में से पिता का नंबर मिला था, जिसके बाद उन्हें संपर्क कर अस्पताल बुलाया गया। 12 बजे की ये बात है, 12 से 12 की बात है। हम लोग मॉल से ही हैं, हम लोग अपना अपना वर्क कर रहे थे, फिर अचानक से चिल्ला चोट की आवाज़ आई। तो हमने देखा थर्ड फ्लोर पे जो लड़की जो है अभी सीरियस, वो वहाँ पर थर्ड फ्लोर पे खड़ी थी और उसने मोर देन 40 सेकेंड में वहाँ से जंप मार दिए और खूब चिल्ला चोट कर रहे थे। हम लोगों ने कई लोगों ने बचाने की कोशिश करी, 2 लोग ऊपर से भागे उसके पीछे कि उसको पकड़ लिया जाए, बट अनफॉर्चुनेटली उसको कुछ इस तरीके से डिप्रेशन था या जो भी था, वो जंप कर दिया और हम लोग बचा नहीं पाए। उसके बाद हम लोग भागे और उसको पकड़ के इमीडिएटली 5 से 7 मिनट में हम लोग यहाँ पर लेकर के आए और उसको अभी एडमिट किया है। नॉर्मल है, सर में लगी है और थोड़ा पैर फ्रैक्चर हो गया है। फैमिली वालों को भी कंसल्ट कर दिया है, वो भी आ चुके हैं और प्रोसेस में है उसका। मॉल कर्मचारी ने बताया कि 12:15 के बीच का घटनाक्रम है। हम सभी अपने अपने काम पर लगे हुए थे, तभी अचानक चिल्लाने की आवाज़ आई। हमने देखा तो एक लड़की तीसरी मंजिल पर खड़ी होकर छलांग लगाने की कोशिश में है। हम सबने उसे शोर मचाकर रोकने की कोशिश की। उसे बचाने के लिए 2 लोग ऊपर भागे, लेकिन बमुश्किल उसने 40 सेकेंड में छलांग लगा दी। शायद वह किसी प्रकार के डिप्रेशन में थी। हम उसके पास पहुंचे और उसे उठाकर तत्काल ऑटो से अस्पताल पहुंचाया। उसके सिर और पैर में चोट आई है। पुलिस के साथ उसके परिजनों को भी सूचित कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। 12:30 के लगभग सूचना प्राप्त हुई थी कि जो C21 मॉल है, उसकी तीसरी मंजिल से एक युवती द्वारा छलांग लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया गया है। युवती घायल हुई थी, उसको अस्पताल भेजा गया और जो प्रारंभिक तौर पर जानकारी प्राप्त हुई है और जो एक उसके पास से लेटर मिला था, उसमें उसने लिखा था कि उसकी शादी अभी 15 दिन पहले हुई थी, उसके पति की डेथ हो गई है 2 दिन पहले किसी कारण से। तो उसी अवसाद में उसने ये करके आत्महत्या करने की कोशिश की कि अगर मेरी अंतिम संस्कार भी उसी जगह किया जाए जहाँ पति का किया गया है और उसी के साथ उसी जगह पर मेरा भी अंतिम संस्कार किया जाए ताकि मेरे साथ में रह सकूँ। इस प्रकार करके उसने आत्महत्या का प्रयास किया। उसका इलाज चल रहा है, पैर में चोट है, सिर में चोट है। माता पिता को खबर कर दी, वो आगे इलाज करवा रहे हैं। बैग मिला था, उसमें उसके पिताजी के नंबर मिले और मोबाइल था, तो उसके पिताजी को सूचना दे दी, तो वो एयरपोर्ट पे थे, वहाँ से बुलाया उनको और इलाज तो पे आ गए हैं जी जी। उनकी बच्ची से मिल लिए वो। क्या रहा है पूरा, मतलब कुछ जानकारी आई है कि बच्ची ने क्यों कूदी है? क्या बच्ची की 15 दिन पहले ही शादी हुई थी शुभम खंडेलवाल से जी, उज्जैन निवासी उज्जैन। तो पता चला है कि परसों एक्सीडेंट में उसका भी निधन हो गया है जी। तो ये बच्ची ने एक सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें वो ये चाहती है कि मेरे को भी शुभम के साथ ही जलाया जाए। ठीक है, तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।